जब एक बच्चा एसएसपी देने आता है ना, तो उसको कुछ बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दो चीजें, एक तो उसको रहने की जगह ढंग से नहीं मिलती है, दूसरा इतने ज्ञान देने वाले लोग मिलते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाता है जो वो तैयारी करके आया था वो एक्चुअली ठीक है या नहीं है। हाँ जी, मैं सुमित कुमार आज खड़ा हूँ एसएसबी भोपाल के सामने। ये बेसिकली वो रोड है जहाँ पे जहाँ रेलवे स्टेशन बच्चा आता है, लालघाटी रोड है, सीधा पीछे मेरे एसएसबी भोपाल आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि बच्चा जो है आए तो एक कंफर्टेबल स्टे रह सके, प्लस में लास्ट डे जब वो है ना, जब वो कल वो जा रहा है एसएसबी देने, उस टाइम पे उसको थोड़ी सी राइट गाइडेंस मिल जाए, एक पीपीडीटी या ओएआर की प्रैक्टिस हो जाए और उसको फीडबैक मिल जाए कि तू यहाँ पे गलत कर रहा है, यहाँ पे सही कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि क्या मैंने जुगाड़ करा है। तो देखो, ये है अपना एसएसबी भोपाल, बिल्कुल इसके नजदीक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लगभग 100 मीटर की दूरी पे मैं खड़ा हूँ। आई विल शो यू दिस कि यहाँ पे ये रोड आ रहा है, उधर ये सामने मंदिर है, और इसके यहाँ पे ये जो आप येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ना, दिस इज एसएसबी होम स्टे डॉट इन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नाम के दो चार और मिल जाएंगे, लेकिन आपको आना है एसएसबी होम स्टे में। ये दिस इज द लास्ट बिल्डिंग, ये लास्ट बिल्डिंग है, इसके बाद आप देखोगे सीधा ये कुछ नहीं, सीधा एसएसबी भोपाल आ जाता है। दिस इज द लास्ट बिल्डिंग, ठीक है। मैं भी इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ क्या मैंने अरेंजमेंट करे आपके। ये देखो, ये है यार एसएसबी स्टे डॉट इन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस नाम के एक दो और है मतलब, लेकिन आपको इसी बिल्डिंग में आना है जो कुछ ऐसी दिखती है ये। और वेन यू गो इनसाइड, बहुत ही सुंदर सा व्यू है, एकदम रिजॉर्ट वाली फील आती है, ठीक है, बहुत ही मस्त डेवलप करा हुआ है। सो वेन वी एंटर इनसाइड, दिस इज ऑफिस, रिसेप्शन है बेसिकली अपना, एंड वी हैव जोशी सर। जोशी सर के बारे में आपको बताऊंगा अभी, बट उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें दिखानी है। जैसे दिस काइंड ऑफ सेटअप वी हैव डेवलप्ड एंड दैट इज ऑल्सो एट अ नॉमिनल प्राइस ओनली। तो ये सेटअप है यार डॉर्मेट्री का, ठीक है, ऐसे ही सेम ऊपर भी है, दैट ऑल्सो आई कैन शो यू। बट उससे जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है, यहाँ पे होता क्या है कि जब बच्चा एसएसबी के लिए जा रहा है ना, तो जब बच्चे आपस में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर से पढ़े लिख के कुछ कुछ आए हैं, बच्चा ना बहुत ज्ञान देता आपस में, ठीक है, एक ज्ञान का तो भरमार होता ही है, गलत ज्ञान भी देता है। अगर लास्ट मोमेंट पे आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको एक पीपीडीटी ओएआर प्रैक्टिस करा दे, दैट टू एक एसेसर होना चाहिए। ये नहीं कोई भी जिसने एसएसबी में रिकमेंड हुआ नहीं कभी और ज्ञान देने लगे, वो वाले लोग नहीं, मेरे कहे कोई अगर एसेसर मिल जाए जो आपको लास्ट डे पे ये बता दे कि भाई तू थोड़ा सा फ्लो में आ जा, तू एक बार ये दो ओएआर के सेट कर ले, एक ग्रुप डिस्कशन करा दे एंड उसका फीडबैक भी दे दे, एंड वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, तो वो चीज करेंगे जोशी सर। जोशी सर 17 ईयर से एसएसबी में थे, एंड मतलब मैं क्या बताऊं, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आज की डेट मुझे लगता नहीं कोई एसएसर होगा, एंड वो जब एक्सपीरियंस आपको फीडबैक देंगे ना, इट वुड मैटर। एंड ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सबने रखा हुआ है, आई विल शो यू दिस। ये देखो, सो अगर आप अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन ओनली 400, जिसमें ये बेसिक फैसिलिटी आपको मिलेगी, एंड स्टेज वन गाइडेंस जिसकी बता रहा था मैं, फीडबैक एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो 400, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा फीडबैक आपको मिल जाएगा। आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप मतलब इन जनरल थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, न्यूज पेपर वगैरह सब कुछ है। और देखो, एक चीज मुझे और अच्छी लगती है, दिस इज दिस दैट आई एम ड्रेस्ड करेक्ट, तो ये भी है, मैं भाई कुछ आज ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेटअप है जो मैंने आपके लिए बेसिकली ये मान लो कोलैब करा, डेवलप करा है। सो दिस इज इट, आप एसएसबी भोपाल अगर आ रहे हैं तो डू विजिट ssbhomestay.in को, और वहाँ पे रिव्यू बताना कुछ अच्छा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारा बच्चा है जब एसएसबी देने जा रहा है, उससे जस्ट पहले उस फ्लो में होना चाहिए। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ आवर रिजल्ट ऑफ LWS SSB, जब बच्चा जाता है ना SSB, उससे 3-4 दिन पहले हम बुला लेते हैं उसको कि आ जाए एक बार उस फ्लो में आ जा दोबारा, तो वो फ्लो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा जब सर आपको गाइड करेंगे तो। और हाँ, एक और चीज़ है, हमने जो ये जो पूरा सेटअप है ना, ये आपको पता है काफी अच्छा सेटअप है, तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते, केवल 24 सीट्स रखी हुई है। तो जिसको बुक करने के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, वेबसाइट पे मैसेज करना पड़ेगा, जब आपको बुक हो जाएगा तो फिर चीज़ें थोड़ी सी इजी रहेंगी, वरना फिर यहाँ पर आके यू मे फेस डिफिकल्टीज, या कुछ और भी सेटअप कर सकते हो। मैं इसके लिए भी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कहीं और भी रह रहे हो ना तो भी आप यहाँ पे स्टेज वन गाइडेंस के लिए आ सकते हो, ठीक है, एक दिन पहले, और धीरे धीरे इसको और थोड़ा सा अच्छे डेवलप करके मैं इसको 2 दिन का प्रोग्राम भी बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे SSB भोपाल जाने से पहले जरूर बात कर लेना, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर SSBs, एंड जय हिंद जय भारत।